सीएम योगी की सुरक्षा में बड़ी चूक, फ्लीट के सामने कूदा सपा नेता, योगी के सामने लगाए अखिलेश के नारे। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में शुक्रवार को जौनपुर में बड़ी चूक सामने आई। यहां समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता योगी की फ्लीट के सामने कूद गया। सीएम की फ्लीट तक पहुंचे युवक ने हाथ में काला कपड़ा लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। युवक के फ्लीट के सामने आने के बाद पुलिस के हाथ पैर फूल गए। आनंद फानंद में पुलिस ने युवक को फ्लीट के सामने से किनारे किया, साथ ही युवक को गिरफ्तार कर थाने लेकर चली गई। दरअसल जौनपुर के दौरे पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ जब उमनाथ मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने पहुंचे थे और वहां से बाहर निकल रहे थे तो सपा कार्यकर्ता आशीष मुलायम सुरक्षा घेरा तोड़कर गाड़ी के सामने पहुंच गया। कार्यकर्ता ने जेब से काले कपड़े निकाले और लहराने शुरू कर दिए, साथ ही जोर जोर से अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाने लगा। पुलिस ने हंगामा करने वाले छात्र नेता आशीष मुलायम को गिरफ्तार कर जेल भेजने की तैयारी शुरू कर दी। इसके बाद सीएम पूर्वांचल यूनिवर्सिटी पहुंचे और सभा को संबोधित किया। जौनपुर में सीएम ने 258 करोड़ रुपए की 90 परियोजनाओं का शिलान्यास किया और 26 का लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा, विकास के लिए ईमानदारी से काम किया जा रहा है, भ्रष्टाचार पिछली सरकारों की जीन में था, खुद के फायदे के लिए गुंडों गुर्गों को बढ़ावा देते थे। उत्तर प्रदेश आज दंगा मुक्त प्रदेश है। हमने तय किया है कि कोई भी भ्रष्टाचार करेगा तो उसकी संपत्ति कुर्क करके गरीबों के विकास में लगाई जाएगी। हम केवल कहते नहीं हैं, परिणाम में बदल करके उसे सामने लेकर के आते हैं। और आज इसीलिए मैं आज कह रहा हूं आप सबसे, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। ये भ्रष्टाचार पिछली सरकारों की जीन्स का हिस्सा था। इन्होंने भ्रष्टाचार के माध्यम से उत्तर प्रदेश की छवि को धूमिल कर दिया था, अपने लिए अपने खानदान के लिए ये लोग भ्रष्टाचार पैदा करते थे। विकास की योजना लोक कल्याण के लिए नहीं, ठेकेदारों को लाभान्वित करने के लिए बनाते थे, अपने स्वयं के पाले हुए गुर्गों को लाभान्वित करने के लिए बनाते थे। और इसीलिए उन लोगों पर प्रहार करने के लिए इस सरकार ने पूरी मजबूती के साथ लड़ना प्रारंभ किया है। हमने तय किया है, भ्रष्टाचारी कोई भी होगा उसकी संपत्ति को हम कुड़क करके फिर से उसे सार्वजनिक उपयोग में गरीबों के पास, गरीबों के उपयोग के लिए उस संपत्ति को अधिग्रहण करने में भी कोई संकोच नहीं करेंगे। और ठीक उसी तर्ज पर, जैसे आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य था जिसने दंगाइयों को सबक सिखाने के लिए एकाध, उत्तर प्रदेश में अगर दंगा करोगे तो खानदान ने सात पीढ़ियों ने जो संपत्ति बनाई होगी उस संपत्ति से भी वंचित हो जाओगे। और आपने देखा होगा कि हमने उसका कानून भी बनाया, प्रभावी ढंग से उसको लागू भी किया। और आज यही कहने के लिए मैं आपके पास आया हूं, अब यही लड़ाई हम भ्रष्टाचार के खिलाफ भी करने जा रहे हैं। भ्रष्टाचारियों ने जितनी भी संपत्ति बनाई होगी उन भ्रष्टाचारियों की इन संपत्तियों को सार्वजनिक उपयोग के लिए हम आज लेकर के आना चाहते हैं। और उसी दृष्टि से एक बड़े अभियान को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।